कैसे हो मेरे दोस्तों। पहले तो माफी की विकेट का वार Q&A में कर नहीं पाया, थोड़ा व्यस्त था, तो आज कोशिश करूंगा आपके पूछे हुए क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का। वैसे सब बढ़िया हो कि नहीं? सुबह वाली वीडियो देखी कि नहीं? गुड बैड अगली मैच रिव्यू की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड ODI की? नहीं देखी तो लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में लगा भी दूंगा। वीडियो स्किप करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कवर किए हैं मैंने, तो लेंथ बड़ी होगी वीडियो की ये मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, तो मैनेज कर लेना दोस्तों। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन ले लिया जाए। ये मामला आ रहा है साहिल राजपूत भाई का। ये पूछ रहे हैं कि कैन मोहम्मद सिराज बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ इंडियन बोलिंग लाइनअप। तो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, लेकिन लीडर के तौर पर मोहम्मद सिराज को अपने आप को थोड़ा और सिद्ध करना होगा। कैपेबिलिटी बहुत है, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा जानदार है, लेकिन इकोनॉमी को थोड़ा चेक कर लें तो मामला बन जाएगा भाई मेरे इनका। तो हाँ, लीडर तो कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे वो है मनीष चौधरी का। बहुत सारे भाई ने क्वेश्चन पूछे हैं तो हम एक एक करके इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल CSK परसिस्ट शिवम दुबे एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर एंड अ पार्ट टाइम बोलर। तो भाई शिवम दुबे बैट्समैन के तौर पर CSK सेटअप के साथ बढ़िया है, लेकिन पार्ट टाइम नहीं, बॉलिंग में जाना ही नहीं चाहिए उनको। CSK को इनको मोर ऑफ बैट्समैन की तरह कंसीडर करना चाहिए नंबर 4 के स्पॉट के लिए। अगला क्वेश्चन आपने ये पूछा है कि विल CSK रिटेन रवि जडेजा एंड क्रिस जॉर्डन बिकॉज बोथ हैव ग्रेट फॉर्म एंड DJ कैन रिटायर एनी टाइम। भाई रवि जडेजा का शायद ऑल इज नॉट वेल वाला सीन है शायद CSK मैनेजमेंट के साथ, तो उनका डाइसी लगता है मामला, बट जॉर्डन को रिप्लेस या फिर रिलीज किया जाएगा। देखिए इंग्लिश कंडीशन में परफॉर्मेंस और ओवरसीज में या फिर सबकॉन्टिनेंट में परफॉर्मेंस नेसेसरी पॉइंट होता है जॉर्डन को पिक करने के लिए। इसीलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हु कैन रिप्लेस अंबाती राइडू फॉर CSK। तो भाई मुझे ये लगता है CSK को दिनेश बाना पर इन्वेस्ट करना चाहिए टू फिल इन दैट स्पॉट। हु विल बी 4 ओवरसीज प्लेयर्स ऑफ CSK? तो भाई टारगेटेड वीडियोस आपने देखी है, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, उसमें आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है PFG प्रब का। तो उन्होंने ये पूछा है, ब्रो कैन यू प्लीज टेल मी दैट हाउ वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन एक्चुअली वर्क्स। भाई देखिए, एक सेट ऑफ टीम्स होती है रैंकिंग बेस्ड, वो तो क्वालिफाइड रहती हैं वर्ल्ड कप के लिए। फिर नीचे की रैंकिंग का मामला आता है, वो क्वालिफायर्स मुकाबले खेलते हैं जो आजकल चल भी रहे हैं विद डिफरेंट ICC एसोसिएट नेशंस, जो वहां से जीतते हैं फिर वो मेन इवेंट पे आते हैं। लव यू सो मच भाई, आपका इसी प्यार के लिए आपका दिल से बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हो तो डिटेल में मैं इसके लिए कभी किसी और दिन बात भी करूंगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मयंक शांडिल्य भाई। इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप, कैन विराट प्ले T20 वर्ल्ड कप। तो भाई वो अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद बताया जाएगा कि क्या होगी वर्ल्ड कप प्लेइंग स्क्वाड 11। कैन विराट प्ले T20 वर्ल्ड कप? तो हाँ भाई, खेलेंगे ही खेलेंगे, ऑल दो आशा करता हूँ फॉर्म वापस आ जाए जल्दी। ऐसे खिलाड़ी का ड्रेसिंग रूम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट स्टार्स का। ये पूछते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप T20 प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू यू। तो भाई इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा। दूसरा क्वेश्चन, फ्यूचर पेस अटैक ऑफ इंडिया, बहुत जानदार क्वेश्चन पूछा है आपने। इसमें बहुत से कंटेंडर्स हैं, अभी स्क्वाड पैक्ड है, लेकिन फ्यूचर है अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, कुलदीप सेन जैसे खिलाड़ियों का फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया। तो भाई मेरी राय इसमें थोड़ी सी अलग है, मैं अलग प्लेयर्स को कैप्टन देखता हूँ। ODI और T20 में मैं हार्दिक पांड्या, और टेस्ट में KL राहुल अच्छी चॉइस हो सकते हैं, या फिर जसप्रीत बुमराह भी आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं। आप कह रहे हो माई नेम इज संदीप सिंह, बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा, इंडिया एंड मुंबई इंडियंस एंड स्विंग एंड डेड मैन सेज। तो भाई मेरे स्विंग सुना हुआ सब मामला लगता है कि नहीं? वैसे थैंक यू सो मच मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आयुष आनंद का। पहले तो आयुष मेरे भाई कैसे हैं आप? आप पूछ रहे हैं, क्या टीम इंडिया विराट कोहली को ड्रॉप कर देगी नेक्स्ट ODI और वेस्ट इंडीज टूर पे? तो भाई उन्हें आराम ऑलरेडी दिया जा चुका है, ODI और T20I दोनों ही सीरीज में उनका नाम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हो, व्हाट डू यू थिंक ABD चांसेस टू कम एज अ मेंटोर और प्लेयर या कोच? लव फ्रॉम बिहार। पहले तो लव यू मेरे भाई।
भाई मुझे ये लगता है कि एबीडी मेंटोर कम कोच की भूमिका में आएंगे। किंग कोहली साहब पूछ रहे हैं, अरे गजब आप भी हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। इन फ्यूचर व्हाट इज द पेस अटैक एंड स्पिन अटैक? तो भाई पेस अटैक के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। स्पिन का आप पूछ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है रवि बिश्नोई, मयंक मार्कंडे, चहल और कुलदीप यादव तो है ही हैं, लेकिन अभी और भी प्लेयर ग्रूम हो रहे हैं और सेटअप के लिए आने के लिए रेडी हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट शॉट भाई का, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये पूछ रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी डोमेस्टिक लीग बहुत खेलते हैं और वेस्ट इंडीज के लिए कम खेलते हैं, तो देखो दोस्त वहां ना यूनिफाइंग फोर्स कोई नहीं है। कैरेबियन कंट्रीज हैं जैसे जमैका, ट्रिनिदाद एंड टोबेगो, गयाना, जॉर्ज टाउन, बारबेडोस, ये सब मिलकर एक क्रिकेटिंग ग्रुप है, वो है वेस्ट इंडीज। तो वो कोई कंट्री वंट्री है नहीं, इसलिए वो यूनाइटेड फैक्टर नहीं आता है कि देश के लिए खेल जाएं टाइप। वैसे भी वेस्ट इंडीज बोर्ड फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड क्रिकेट में इतना डोमिनेंस होने के बाद मामला सुस्त सा हो गया, इसीलिए जहां पैसा वहां वेस्ट इंडीज के खिलाड़ा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंकुश पाल भाई, ये कहते हैं आई हैव नॉट एनी क्वेश्चंस, यू आर माय फेवरेट यूट्यूबर ऑल टाइम एंड आई एम ऑलवेज विद यू। तो भाई थैंक यू अंकुश भाई मेरे, आई लव यू टू फॉर द ऑनर एंड सपोर्ट दैट यू गेव मी। अगला क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछा है स्पिन भाई ने, इनके मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये कहते हैं व्हेन 100K हिट्स ऑन योर वीडियो प्लीज टेल योर एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइबर के बारे में बोल रहे हो या वीडियोस के बारे में। तो भाई सब्सक्राइबर जब होंगे तो एक्सप्रेशन भी देखा जाएगा, व्यूज हुए थे तो मौत सी आ गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि विच टीम इज लुकिंग बेस्ट इन T20 वर्ल्ड कप। तो भाई अभी तक के तौर पे मैं देखता हूँ इंडिया और न्यूजीलैंड बेस्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपका यह है व्हेन डिड यू स्टार्ट वॉचिंग क्रिकेट। तो भाई मैंने ना पहली बार शायद 3 साल की उम्र में देखा था क्रिकेट और तसल्ली से देखना शुरू किया 1999 के वर्ल्ड कप के साथ। चौथा सवाल आपका यह है कि विच इज योर फेवरेट शॉट। तो भाई मेरा फेवरेट शॉट स्ट्रेट ड्राइव एंड कवर ड्राइव है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज योर टॉप 5 फॉरेन प्लेयर एंड प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अरे बिल्कुल आई विल पिक योर क्वेश्चन भाई। तो मेरे 5 फॉरेन प्लेयर हैं शेन वॉन, नेथन एस्टल, एबी डिविलियर्स, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और स्टीवन वॉ। अब क्यों पिक किया है वो तो बताना छोटी सी बात हो जाएगी ना। चलो तेजस लालवानी भाई पूछ रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इन्होंने शुरुआत की है। मैं ना पहले इनके क्वेश्चन सारे ले लेता हूँ फिर एक बार में ही सारे आंसर दूंगा। पहले आप पूछते हो भाई फेस वीडियो किया करो ना भाई, दूसरा मूवी रिव्यूज ये यूट्यूब चैनल बनाओ ना, तीसरा वीडियो एडिटिंग में कितना टाइम लगता है मोटा मोटी भाई, चौथा आपने स्टडी क्या किया है, पांचवा आपका वॉइस सुपर से ऊपर है, अरे वाह, छठा आपने पूछा है आपको मराठी आती है क्या। तो चलो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर यह है, तो नहीं भाई फेस का वीडियो हो नहीं पाता है हमसे और मैं ये नहीं चाहता कि कंटेंट कहीं से भी खराब हो जाए। दूसरे सवाल का आपका मैं ये आंसर देना चाहूँगा कि मूवी रिव्यू का चैनल आ गया है, उसका नाम सिनेमा है, फीचर सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, नया बनाया है चैनल अभी बिल्कुल रिसेंटली। तीसरा क्वेश्चन तो मोटा मोटी भाई मुझे 5.5 घंटे के आसपास वीडियो एडिटिंग भर में टाइम लग जाता है। आपने स्टडी में क्या किया ये आपने पूछा, तो भाई मैंने मास्टर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शंस किया है। वॉइस के ऊपर अब आपने जब बात बोल दी है तो थैंक यू से ऊपर मैं कोई बात कह नहीं पाऊंगा आपको। छठा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो मराठी के बारे में, तो भाई मराठी मुझे आती नहीं है लेकिन मराठी में समझ जरूर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं सनी सिरोही भाई, ये कहते हैं क्या आपको लगता है कोहली वर्ल्ड कप में जाएंगे, यस और नो? अरे वाह, यस और नो डायरेक्ट सनी भाई, तो यस बिल्कुल जाएंगे, अगर नहीं तो उनका ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, यही मैं कहना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड विराट का बहुत अच्छा है, उनको जगह बिल्कुल मिलेगी क्योंकि उनके कैलिबर का प्लेयर फॉर्म में कभी भी आ सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी मौजूदगी है ड्रेसिंग रूम में, पॉजिटिव अप्रोच लेकर चला जाएगा ना फिर मामला। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं माफिया साइलेंस भाई, अरे बाप रे बाप गजब नाम रख लिया भाई आपने तो, हमारी तो हिलने ही लग गई सुन के। आप पूछते हैं, 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं, मैं एक बार में ही आपके क्वेश्चन पूछ लेता हूं फिर मैं बताऊंगा ठीक है। आप पूछते हो हाउ यू लुकिंग दिल्ली कैपिटल एज अ फैन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, व्हाट डिड वी डू फॉर दिल्ली कैपिटल्स टू विन द आईपीएल 2023, व्हाट द स्ट्रेटजी ऑफ दिल्ली इन 2023 प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा
तो भाई इसके बारे में मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है, आप देखना उसको। आप एक और पूछते हो कि क्या हमें ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए एज अ विकेट कीपर, क्योंकि उनसे बैटिंग तो हो नहीं रही है। उसके बदले ईशान किशन एक अच्छा चॉइस नहीं होगा टीम में, जो कि आपको रन्स भी बना कर देंगे और टिके रहेंगे पिच पर और विकेट कीपिंग भी करके देंगे। तो भाई आपके पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कि टू मच स्ट्रैटेजी शुड बी अवॉइडेड बाय दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट। आपके पास बेंच पे इतने अच्छे पोटेंशियल वाले खिलाड़ी थे, डीसी ने उनको ट्राई आउट करके ही नहीं दिया, अब पता नहीं क्यों नहीं किया। तो देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैं यहाँ पे ये समझ पा रहा हूँ वो कंसर्न है आपका T20 या फिर ODI का। ODI में तो जब कल हो गया वो सभी लोगों ने देख लिया, लेकिन हाँ ये बात सही है कि पंत T20 में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको टाइम चाहिए होता है सेटल डाउन होने के लिए, और ईशान का जो पावर प्ले में रोल होता है वो बहुत शानदार है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि T20 में ईशान को पंत के ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अनुराग साहा भाई का। Your all family members name and worst IPL team strategy in IPL 2022. तो अनुराग भाई साहब, family members का नेम ना मामला थोड़ा यहाँ पर confidential सा है मेरे दोस्त। और worst IPL team strategy 2022 की मुझे लगी कोलकाता नाइट राइडर्स की। भैया offend मत हो ना KKR fans। चलिए, रोहित आप्टे भाई पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि विराट T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होगा या नहीं #QA। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और आशा कर रहा हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन मेरे दोस्त रोहित, क्वेश्चन पूछने के लिए आपका दिल से बहुत धन्यवाद यार। चलो एक्सपर्ट सानू की तरफ चलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि हु इज बेटर, उमरान और अर्शदीप। तो डेफिनेटली मुझे अर्शदीप सिंह ज़्यादा बेटर लगते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा डिसिप्लिन लगते हैं। उमरान के पास पेस है लेकिन अभी बहुत सी खामियाँ हैं, समझ रहे हैं ना आप कि नहीं। चलिए GW विशेष के पास जाते हैं। ये पूछते हैं, ब्रो आप यूट्यूब के साथ और कोई और वर्क करते हो, ब्रो आपका कोई इंस्पिरेशन। भाई यूट्यूब के अलावा ना मैं कमाल करता हूँ और इस समय 3 से 4 चैनलों पर काम कर रहा हूँ। जो मुझे इंस्पायर कर जाए उससे ही मैं इंस्पायर होता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो अंदर से आती है, बाहरी इंस्पिरेशन कुछ समय मात्र के लिए होती है जिसके कोई मायने नहीं होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो है एरो नोबिता का। अरे भाई कैसे हो, पहले तो ये बता देना, लाइक लुक ठोक ठाक तो तुम देते ही हो। चलो इन्होंने तो एक लड़ी में सारे ही क्वेश्चन पूछ दिए, तो फिर पहले मैं इनके क्वेश्चन लूंगा। चलो, हाउ मच यू लाइक एरो नोबिता? अरे वाह, जानते तो तुम हो ही। विच क्रिकेट यूट्यूबर इज योर फेवरेट? यू प्ले क्रिकेट एंड हाउ मेनी लेवल्स, एग्जाम्पल स्कूल, डोमेस्टिक एक्सेट्रा, एंड विच जॉब यू वर्क, एंड व्हाट्स योर ड्रीम, and you know spin, and what do you think about RR and Rajasthan state? Thanks to pick my question, sorry for my English. अरे English हटाओ यार, सीधे simple सपाट हिंदी में बातचीत चलेगी। चलो तो एक के बाद एक मैं तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर करता हूँ। हाउ मच यू लाइक एरो नोबिता, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, मैं बताऊंगा नहीं बार बार, दिमाग नहीं खराब करूंगा तुम्हारा। विच क्रिकेट यूट्यूबर इज योर फेवरेट? तो वो रहेंगे आकाश चोपड़ा। मैंने क्रिकेट स्कूल लेवल तक खेला है और बाद में डोमेस्टिक से एक स्टेप नीचे तक खेला है, मतलब डोमेस्टिक नहीं खेला है, लेकिन अगर टाइम देता ना तो यू नेवर नो। मैंने उस समय अपनी स्टडीज को क्रिकेट से ज्यादा प्रायोरिटी दी, जो जरूरी भी थी। जॉब वॉब हमसे होता नहीं है, करते थे काम लेकिन अब अपने लिए करेंगे और गर्दा उड़ाएंगे। तुमने ड्रीम्स के ऊपर बात बोली, तो भाई सपने वही होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और मेरा जो सपना है मैं उन्हें पूरा कर रहा हूँ। स्पिन के बारे में, यस आई डेफिनेटली नो स्पिन। मैं जब बॉलिंग कराता था तो लेग ब्रेक बॉलिंग कराता था। राजस्थान रॉयल्स के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सही टीम है, डेयरिंग कैप्टन है इनके पास, बस उन्हें कंसिस्टेंट रहना है आपसे, बहुत जरूरी है ये चीज। एज अ स्टेट राजस्थान के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेट की अपनी बहुत ही रिच हिस्ट्री है, स्टेट का कल्चर और हेरिटेज बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, और खंबा गनी तो रॉकिंग है छोटे भाई सा। चलो, बैड वाइट डेविल कहते हैं, यूजी को 2021 में वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लिया?
अरे गजब भाई, नहीं लिया तभी तो हार गए, ले लेते तो पता नहीं शायद जीत जाते। मोहम्मद साहिल कहते हैं KKR प्लान इन 2023 मिनी ऑक्शन KKR प्लेइंग 11 2023 प्लेइंग बताओ। अरे भैया प्लेइंग 11 2023 की तो खुद KKR मैनेजमेंट नहीं सेट कर पाया है अभी तक। हमने स्क्वाड स्ट्रेटजी और टारगेटेड प्लेयर्स बनाने की जरूरत की है मेरे दोस्त, वो देखिएगा। Realme 5S इनका नाम अलग है लेकिन ये गलत से इनका नाम यहाँ पे आ जाता है Realme 5S करके। ये पूछ रहे हैं बर्थ डेट प्लीज, तो भाई बर्थ डेट इज 29th of April। ओकी डोकी पूछ रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूबर एंड आपने यूट्यूब चैनल किस यूट्यूबर की इंस्पिरेशन से ओपन किया। तो भाई फेवरेट यूट्यूबर के बारे में मैं बता चुका हूँ, चैनल के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे TVF और मेक जोक शॉप बहुत पसंद है। मुझे गौरव कपूर व्लॉग्स भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने किसी से इंस्पायर होकर YouTube नहीं ओपन किया, प्लान किया, स्ट्रेटजाइज किया उसको और बस स्टार्ट कर दिया। अभी और भी चैनल्स पर काम कर रहा हूं। चलिए गेमर देव आर्टिफिशियल के ऊपर चलते हैं। ये पूछते हैं विराट कोहली फॉर्म में कब आएगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन ब्रो। ये बात तो स्वयं विराट कोहली और ऊपर वाला जानता है कि फॉर्म कब आएगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए भाई, फॉर्म है आ जाएगी। हर खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है। तौसी फयाज भाई पूछ रहे हैं ब्रो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो भाई हमारी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन। सौरभ गेमिंग की तरफ चलते हैं, ये चूज एंड वन मतलब रैपिड फायर वाला मामला कर रहे हैं। ये पूछते हैं विराट और धोनी में, तो आई वुड चूज धोनी क्योंकि उनकी एफिशिएंसी, टेम्परामेंट, कंपोजर, स्ट्रैटेजी, प्लेयर्स को बैक करने की क्षमता की वजह से। इसलिए मोबाइल और फिजिकल गेम में डेफिनेटली फिजिकल गेम भाई, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। स्विंग यूट्यूब चैनल और 1 करोड़ रुपए, तो भाई विदाउट अ डाउट स्विंग यूट्यूब चैनल, इसने मुझे पहचान दी है, मेरे लिए बहुत खास है स्विंग। रुपए कभी भी किसी के खास नहीं होते दोस्त। म्यूजिक और मूवी, तो उसमें दोनों, म्यूजिक के बगैर मैं रह नहीं पाता और वेब सीरीज और मूवी का बहुत बड़ा सकीड़ा है मुझे। सब्सक्राइबर और गर्लफ्रेंड, तो डेफिनेटली मेरे भाई सब्सक्राइबर्स एनी डे, ये तो तय है। ये पूछ रहे थे शील्ड फैन क्लब, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है और सभी IPL प्लेइंग टीम 11 और IPL 2023 वीडियो बनाओ। तो भाई गर्लफ्रेंड है नहीं और सभी IPL टीम के बारे में थोड़ा सा समय है, और हाँ साल भर IPL चलता नहीं है, वो बस क्रिकेट का पार्ट है मेरे दोस्त। तो कैसा लगा Q&A मेरे दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो, नया अगर कोई देख रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा बोलेंगे नहीं, सुबह मिलते हैं, गला सा खराब हो रहा है, बस अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। चलो फिर।